क्लास 7 बेटा चैप्टर नंबर 8 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट 6 की इस वीडियो में परसेंटेज से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, सभी क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप आप समझ लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कीजिएगा, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से करते हैं आज के क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 8F को। यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, इनको आपको सॉल्व करना है तो बहुत इजी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीडिंग करना है और समझना है कि क्वेश्चन में क्या आस्किंग हमसे की गई है। तो चलिए जल्दी से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 को रीडिंग करते हैं। 55% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर गर्ल्स। जो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं किसी स्कूल में, उसका 55% क्या है, गर्ल्स हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज़। कितनी परसेंटेज है स्टूडेंट्स में बॉयज़ की। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इफ़ देर आर 216 बॉयज़। अगर 216 बॉयज़ हों तो टोटल स्टूडेंट्स आपके कितने होंगे। चलिए इनको इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था कि टोटल जो परसेंटेज होती है वो 100 होती है। तो जब हमें गर्ल्स दी हैं, कितनी गर्ल्स का हमें परसेंटेज दिया है, तो गर्ल्स इज इक्वल टू 55% आप राइट कर देंगे तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 100 में से आप माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। 100 में से माइनस कर देंगे तो 100 माइनस 55 तो ये आ जाएगा 45%। तो बॉयज़ आ गए आपके पास 45%, क्लियर। तो ये आपका हाफ आंसर हो गया। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको आप राइट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसके बाद आप देख लीजिएगा आगे का पार्ट। तो अब आपको फाइंड आउट करना है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है। अगर आपके पास 216 बॉयज़ हैं तो आप देखिएगा, अभी हमने 45% निकाल लिए बॉयज़ को, तो बॉयज़ की हमारे पास क्वांटिटी आ गई, एक तो परसेंटेज में एक नंबर्स में। तो हम क्या करेंगे, टोटल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका कितना परसेंट, 45% कौन होगा, बॉयज़ होंगे, तो वो नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे। तो इसको हम किस तरह से राइट करेंगे, चलिए देखिए। तो आप लिखेंगे 45% ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, स्टूडेंट्स वो कितने हैं, बॉयज़ हैं, तो वो कितने हो गए, 216 हो जाएंगे, ठीक है। तो 45% को लिखेंगे आप 45/100, और स्टूडेंट्स को आप स्टूडेंट्स से लिखा रहने दीजिए, 216 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इसको स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने के लिए, स्टूडेंट फाइंड आउट करने के लिए 216 इंटू 100 ऊपर और 45 नीचे करेंगे। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें एक ऐसी टेबल लेनी है जो ऊपर नीचे कट हो जाए। तो 5 से कट कर लेते हैं पहले हम, 5 9 ज़ा और 5 2 ज़ा, ये कट जाएगा। अब आप क्या करेंगे, कोई और टेबल लीजिए जिससे हमारा कट हो जाए, है ना। तो अगर हम 9 से डायरेक्ट काटने लगे 216 को, कितना होगा, 9 2 ज़ा 18 कितना बचेगा, 3 बचेगा, 9 4 ज़ा 36 24 आ गया। 24 की और 20 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी, 480 आपके पास आ जाएंगे। तो 480 क्या आ गया आपके पास, 480 टोटल स्टूडेंट्स आ चुके हैं, ठीक है। तो इसको आप राइट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेशन गिव्स द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट एज 6.4। जो कैलकुलेशन है उससे हमारी जो लाइन सेगमेंट है उसकी मेजर आती है 6.4। व्हाइल फ्रॉम ड्राइंग एंड मेजरमेंट, जब हम उसको ड्रॉ करते हैं कॉपी पर लाइन को और मेज़र करते हैं तो वो 6.6 आती है। फाइंड द एरर परसेंट, तो एरर परसेंट निकालना है आपको। तो सबसे पहले आपको एरर पता होनी चाहिए, एरर हमारी कितनी हो गई। तो कैलकुलेशन में हमारी थी 6.4 और आई कितनी, 6.6 अब, है ना, जब हमने मेज़र किया ड्रॉ करने के बाद। तो 6.4 को माइनस कर दो 6.6 में से, तो 0.2 हमारे पास यूनिट की एरर आ गई। तो एरर परसेंट कैसे निकालते हैं, या जो भी चीज़ की परसेंट निकालनी हो आपको, वो चीज़ ऊपर रखिएगा, 0.02 को ऊपर रखा अपॉन में, टोटल हमारे पास पहले कितनी थी कैलकुलेशन से, 6.4 थी, और इंटू कर देंगे 100। तो पॉइंट से एक पॉइंट हमारा कट जाएगा, ठीक है,
टू से ये कैंसिल हो जाएगा 32। अब ऊपर नीचे कट कर लीजिएगा, है ना, 4 8 ज़ा और 4 25 ज़ा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 25 25, है ना, 25/8, तो 8 3 ज़ा कितना 24 होते हैं, 8/ आ गया और 1 ये आ गया, तो 3/1/8% ये आपका एरर परसेंटेज आ गई। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपको करना है एग्जाम क्वेश्चन नंबर 4। कुछ क्वेश्चंस के मैं यहाँ पर आपको हिंट दे दूंगा, कुछ आपको खुद करने हैं, कुछ मैं यहाँ पर सॉल्यूशन भी आपको करा रहा हूँ बेटा, तो बस ध्यान से देखते चलें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अतुल डिपॉजिटेड 30% ऑफ हिज इनकम इन बैंक। अपनी इनकम का जो 30% है और अतुल जो है डिपॉजिट करता है बैंक में, आफ्टर स्पेंडिंग 50% तो रिमेनिंग, और रिमेनिंग का 50% जो बचता होता है ना, वो स्पेंड करता है। ठीक है, ही हैड 10,500 लेफ्ट। अब उसके पास इतने रुपीस बचते हैं, तो उसकी इनकम कितनी है। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, हमको 30% अलग निकाल देना है, उसके बाद जो बचेगा है ना उसका 50% रिमेन करना है, उसके बाद जो बचेगा उसको इक्वल रखना है 10,500 के। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, हम इसको इस तरह से कर रहे हैं, 100 मान के चल रहे हैं, तो इससे हमारा बहुत ईजी हो जाएगा। लेट इनकम 100, लेट इनकम मान रहे हैं हम, इनकम इक्वल टू 100। जब हमने इनकम मांगी तो हमारे डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिट बैंक डिपॉजिट कितना हो गया, तो बैंक डिपॉजिट 100 पर कितना हो जाएगा, परसेंटेज 100 में से तो होती है, तो 30% उसने किया तो 30 रुपीज़ हो गए, तो रिमेन कितने बचेंगे, रिमेन्स हमारे पास मनी हो गई 100 - 30 इक्वल टू 70। अब 70 का 50% वो क्या करता है, स्पेंड करता है, तो स्पेंड कितना करेगा, स्पेंड हमने हो गया तो 50% माने 50/100 इंटू 70, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 35 रुपीज़ उन्हें क्या कर दिए और खर्च कर दिए। तो यहाँ तक आप उतार लीजिएगा पहले, ठीक है बेटा, इसको पहले आप राइट अप कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। इसके बाद आप वीडियो को पॉज करके यहाँ तक उतारने के बाद तब दोबारा राइट कीजिएगा। तो 35 स्पेंड कर लिया, अब उसके बाद कितने बचेंगे, देखो जब 100 थे तो 100 में से 30 उनने माइनस कर दिए बैंक में, तो 70 बचेंगे, 70 का उसने 50% स्पेंड कर दिए, तो उसके पास 35 खर्च हो गए, तो 35 बचेंगे, तो अगेन रिमेन्स मनी है ना, 70 - 35 कितना बच जाएगा उसके पास, 35 रुपीज़ बचेंगे। ये 35 रुपीज़ कब बचे, जब उसकी इनकम 100 है। अब यहाँ पर इनकम कितनी है, 10,500 नहीं सॉरी सेविंग कितनी है, 10,500 सेविंग है। तो अगर 100 है उसकी इनकम तो सेविंग हो रही है 35 की, तो 10,500 सेविंग होगी तो कितना इनकम होगी, तो उसके लिए हम क्या यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे। तो चलिए पहले यहाँ तक इसको आप राइट कर लीजिएगा, ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, लिखिए व्हेन सेविंग 35 देन इनकम कितना होगी 100, ठीक है, कॉमा लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये लिखा है जो ऊपर लिखा है, व्हेन सेविंग इज 1 रुपीज़ होगी तो 100/35 हो जाएगा, और जब आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, 10,500 हो जाएगी, है ना, तो ये आ जाएगा 100 × 10,500/35, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 35 से ऊपर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 3 ज़ा कितने होते हैं, 35 3 ज़ा 105 होते हैं, तो ये 300 आ जाएगा, तो 300 की 100 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा आपके पास 40, यानी 30,000 आपके पास आ जाएगा इनकम, ठीक है। तो इनकम कितनी आ गई है, 30,000 रुपीज़ आपकी इनकम आ चुकी है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना होगा, ठीक है बेटा, वीडियो को पॉज करके पूरी स्टेप आप राइट कर लीजिए। इसी तरह से मैं अब आपको कुछ हिंट बता रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मनीष ऑब्टेंड 498 मार्क्स आउट ऑफ 600 एंड अरविंद स्कोर 640 मार्क्स आउट ऑफ 800, हुज परफॉर्मेंस इज बेटर। देखो मनीष की जितने परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो मनीष के कितने हैं,
498 अपॉन 600 और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह यहाँ पर 640 अपॉन 800 में से लिए थे तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर दो। एक तरफ मनीष के हो गए, ये मनीष का हो गया, ये अरविंद का हो गया, ये आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, कितना कितना आ गया। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगी उसका परफॉर्म ज़्यादा होगा। 20 से 20 का कैंसिल कर दीजिए, 88 से 64, तो ये हो गया 80%। यहाँ हो जाएगा 48 और 63 18, तो ये 83%। किसके ज़्यादा हैं? मनीष के। तो लिखेंगे परफॉर्मेंस ऑफ मनीष इज़ बेटर। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से राइट करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इन ग्रेजुएशन क्लास ऑफ 200 40% आर वुमन एंड 1/5 बिकम लेक्चरर, ठीक है। जो ग्रेजुएट क्लास है 200 की, उसमें से 40% वीमन है एंड 1/5 बिकम लेक्चर, उनमें से 1/5 लेक्चर बन जाते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ मैन हुज बिकेम लेक्चर इज ट्वाइस द वुमन, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ मैन हु बिकेम लेक्चरर्स। तो देखिए क्या है, 200 का 40%, देखो 200 का 40% कौन है? वुमन है। 200 का 40% कितना हो जाएगा? 200 × 40/100, तो ये 20 कैंसिल हो जाएंगे, 80 वुमन्स हैं। अब 80 का 1/5 लेक्चरर बन जाती हैं, तो वुमन लेक्चरर कितनी हो जाएंगी? 1/5 × 80 यानी कि 16। तो 16 तो वुमन बन चुकी हैं लेक्चरर, ठीक है। अब उसने क्या कहा है क्वेश्चन में ये कहा गया है, इफ द नंबर ऑफ मैन हुज बिकेम लेक्चर इज ट्वाइस द वुमन, तो अगर जो मैन हैं वो डबल बने हैं लेक्चरर, किससे? वुमन से, तो उनका परसेंटेज क्या है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास 40% वुमन थी, तो 60% हमारे कौन होंगे? मैन होंगे, ठीक है। अब क्या करना है, तो हमारे पास जब 80 हमारे पास कितनी आ गई, 80 हमारे पास वुमन आ गई, तो 120 हमारे पास कौन होंगे? तो यहाँ पर पहले इसको याद रखिएगा, लेक्चर कितनी बनी है? वुमन 16 बनी है। तो यहाँ तक आप राइट कर लीजिएगा, पहले मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। तो मैन हमारे पास कितने हैं? तो मैन देखो, मैन हमारे पास 200 टोटल थे, उसमें से हमने 80 जो 40% वुमन थी उन्हें हटा दिया, 120 हमारे पे मैन हैं। अब मैन लेक्चरर हमारे पास हैं ट्वाइस ऑफ वुमन थी 16, 32 हो गए। अब ये कह रहे हैं कि ये जो 32 बने हैं ये कितना परसेंटेज हैं, ठीक है। बाय व्हाट परसेंट शुड, ये कह रहे हैं, इफ़ द नंबर ऑफ मैन हुज बिकेम लेक्चर इज ट्वाइस द वुमन, कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ मैन हु बिकेम लेक्चर। तो जो हमें परसेंटेज निकालना है वो किसका निकालना है? केवल मैन का निकालना है। तो 32/100 और कितने, 32 अपॉन टोटल थे हमारे 120, 32/120 × 100 ये कर देंगे। तो आप देखो, 0 से 0 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 8 और 4 3 ये हो जाएंगे, तो हमारे पास 80/3% आ गया, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अभी आ गया आपके पास 80/3 ना, लेकिन इसको हमें किस चीज़ में निकालना है? इसको हमें पॉइंट में निकालना है, तो हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 से डिवाइड करा हमने, जब हम 3 से डिवाइड करते हैं 80 को, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है, और 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 × 7 = 3 6 = 18, 2 बचेगा, फिर 0 पॉइंट लगाकर 26.66 आएगा। तो इसको हम अप्रोक्सीमेट लिखा है आंसर के लिए, तो इसको 27 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 अप्रॉक्स। अप्रोक्सीमेशन में आप क्या करते हैं, नियरेस्ट ले लेते हैं, 26.66 आएगा आंसर, तो ये आपको 27% आप अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं।
तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको मैंने यहाँ पर करा दिए हैं सभी क्वेश्चंस। यहाँ पर इन रिटर्न मैंने आपको बता दिया है, हर एक स्टेप समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। 7 to 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप होमवर्क कीजिएगा, ठीक है। आपको कंप्लीट एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में राइट करनी है, नीट एंड क्लीन। और 7 to 10 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इनको आप करके देखिएगा, क्वेश्चन को रीडिंग कीजिएगा, रिक्वायरमेंट देखिएगा किस चीज़ की है, हमें यहाँ पर क्या चीज़ दिया हुआ है, क्या पूछा गया है, सब चीज़ें रीडिंग करने के बाद माइंड का यूज़ करिएगा, ठीक है। और जो कोई प्रॉब्लम आती है तो अगर हमें आप बताइएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे बेटा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।